तैराकी लगा रही है। दो स्क्वाड मुझे पानी के अंदर आई गेस, तीन स्क्वाड मुझे पानी के अंदर दिखाई दे रही है। सबसे अजीब जोन जो है ये बनता हुआ मिरामार का, आई गेस नए अपडेट में ऐसा हमें और भी बार देखने को मिल सकता है। एग्जिस्ट और आईएसटी प्रिंस की बात करें तो पानी के अंदर एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज। प्रिंस को डैमेज पड़ता हुआ पीछे साइड से, ब्लेज ही डाउन होते हुए गब्बर के द्वारा, गब्बर ऊपर से शॉट्स ले रहे हैं उनके। चलो इन्हीं को देखते हैं, जोन के अंदर है, बाकी सारे मॉली फेंकने की कोशिश कर रहे। पांच और एक छह मेंबर्स मुझे पानी के अंदर दिखाई दे रहे, सब अलग अलग टीम के हैं। टीजी ब्रॉलर्स के दो मेंबर है, देखना पड़े पोजिशन पॉइंट किस तरीके से। सोल की स्क्वाड रश करेगी और फैनेटिक स्क्वाड में भी थर्ड पार्टी कर सकती है। अमन की बात करें, रगल्टोस की बात करें तो मे भी एक और नेट फेंक सकते हैं, एक है उनके पास। लेवल 3 का हेलमेट जरूर है, वेस्ट लेवल 2 का है, अच्छे खासे गियर्स भी है उनके पास। एमजे काफी ज्यादा पीछे अपनी टीम से, आई गेस फैनेटिक की स्क्वाड रोटेट कर चुकी है, वो फाइट लेने के मूव में बिल्कुल। सोल की स्क्वाड बिल्कुल मत में है, फाइट करेगी वो बट नहीं, टोटल डाउन होते हुए न्यू तक काफी ज्यादा डैमेज होते हुए रगल्टोस का लोड और दोनों को डाउन किया। फिनिश भी करेंगे बट नहीं, एल्यूजन को शायद पीछे से पड़ा है, बिल्कुल स्काउट ने पीछे से शॉट दिया एल्यूजन को, बट मॉडल और वाइपर रगल्टोस डाउन, सोल की स्क्वाड वाइप हो गई। ये कुछ अलग सिचुएशन देखने को मिला, चार के चार किल सेल स्क्वाड पे, बट पानी के अंदर जाएगा उसके बाद दो मेंबर पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लेजी स्पॉट करते हुए शॉट दिया, कनेक्ट नहीं हुआ, डार्क पानी के अंदर नॉकडाउन और फिनिश हो जाएंगे। फिर से भी पानी के अंदर छलांग लगाते हुए नॉकडाउन होंगे पानी के अंदर और पूरी तरीके से फिनिश भी हो जाएंगे। जोन आता हुआ कितनी ज्यादा देर तक और सर्वाइव कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा, बट सेवन सीज वर्सेज मेगा, ओके जीरो डिग्री होता हुआ काफी ज्यादा क्लोज है। क्लच शॉट को स्पॉट किया बीएफआर डार्क को, धीरे धीरे से फिनिश ब्लास्टी गॉड विशियस भी डाउन, फिनिश का गॉड दूसरे साइड पे शॉट के द्वारा डाउन और फिनिश भी होते हुए रैप गॉड, रैप गॉड को भी डाउन किया और शायद फिनिश भी करेंगे यानी देखना पड़ेगा। क्लच गॉड पे चलते हैं, दो को नॉक किया है, कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। मिल चुकी है, अभी जोन में निकलना पड़ेगा। क्लच गॉड को चार किल क्लच गॉड पे, विजन की बात करें तो 1 HP पे जिंदा है और कितनी देर तक और जिंदा रह सकते हैं ये देखना पड़ेगा, बट नहीं, ऊपर से ब्लेजी का शॉट पड़ा, फ्यूजन डाउन, वीएफआर स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए। बात करें 7C स्क्वाड की, टीओडी डॉन और बाकी सारे मेंबर ऊपर के रैंक पे, अपने शायद टीम से बचे हुए उनके मेंबर की जिंदगी बचेगा। क्लच गॉड काफी ज्यादा हेल्थ लूज करते हुए अपने सबसे अच्छा पोजीशन इस टाइम 7C स्क्वाड के पास ही है, चार के चार मेंबर जिंदा और चारों के पास अच्छा खासा कवर है लगभग। और ब्लेजी की टीम जीरो डिग्री की बात करें तो वो भी जोन के अंदर है। टीजे ब्रॉलर्स भी पानी में तैराकी लगा रही है, दो स्क्वाड मुझे पानी के अंदर, आई गेस तीन स्क्वाड मुझे पानी के अंदर दिखाई दे रही है। सबसे अजीब जोन जो है ये बनता हुआ मिरामार का, आई गेस नए अपडेट में ऐसा हमें और भी बार देखने को मिल सकता है। एग्जिस्ट और आईएसटी प्रिंस की बात करें तो पानी के अंदर एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज। प्रिंस को डैमेज पड़ता हुआ पीछे साइड से, ब्लेज ही डाउन होते हुए गब्बर के द्वारा, गब्बर ऊपर से शॉट्स ले रहे हैं उनके। डाउन होते हुए अगर जीरो डिग्री की बात करें तो उनके तीन मेंबर अभी भी जिंदा है, 7C के चार मेंबर, एक्सपेन ब्लाइंड अकेले जिंदा, गॉडल के दो मेंबर जिंदा है, गॉड के आईबीएक्सन अकेले, गॉड्स एग्जिस्ट फिनिश होते हुए, सॉरी गॉडल एग्जिस्ट फिनिश होते हुए, स्मोकी अकेले जिंदा। ओके नाइस, यहाँ पे थोड़ा सा भाईचारा हमें देखने को मिलता हुआ। डार्क और स्मोकी एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, हालचाल पूछा जाएगा। पान सिंह की बात करें तो ऊपर के साइड पे अच्छे पोजीशन पे हैं, 7C की स्क्वाड बात, अभी उनको भी जोन में निकलना पड़ेगा। हील बैटल यहाँ पे होने वाला है, लास्ट जोन में हील बैटल बिल्कुल होगा क्योंकि नीचे जो टीम्स हैं वो हील बैटल कर नहीं पाएंगी। जीरो डिग्री की स्क्वाड इजी चिकन डिनर ले सकती है यहाँ पे नेक्स्ट जोन जस्ट 24 सेकेंड्स में। और जीरो डिग्री के लिए बहुत अच्छी खबर आती हुई क्योंकि
अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रिज को होल्ड किया और ब्रिज पे जो अपना कब्जा था वो उन्होंने बनाए रखा, ब्रिज को छोड़ा नहीं। ये अच्छी बात, अगर सेवन सीज की स्क्वाड ब्रिज पे नहीं जा सकी तो फिर इजी चिकन डिनर है जीरो डिग्री स्क्वाड के पास, क्योंकि जोन के अंदर वही है। बाकी सारे स्क्वाड को जोन के अंदर जाने के लिए पानी में छलांग लगाना पड़ेगा और पानी में आप हील बैटल नहीं कर सकते। जोन चलता हुआ जीरो डिग्री सेवन सीज के स्क्वाड को अब जोन के अंदर मूव करना पड़ेगा। वीरू ड्रिगर की बात करें तो हील्स वगैरह ले लिया है, हील बैटल करने की कोशिश करेंगे। तैनात और शॉट देंगे, दो को डाउन किया, बना रहे वो जोन के अंदर, कोशिश करेंगे आने की बट शायद नहीं कर पाएंगे। वीरू भी डाउन होते हुए, अकेले बचे हुए, ओके वो भी डाउन, फाइनल बॉस अकेले बचे हुए अपनी टीम से। और अब हील बैटल का माहौल चलेगा हर तरफ, बट मुझे लगी कोशिश करेंगे कि भाई साहब हाँ हाँ हम चिकन डिनर ले गए और आप बताएं क्या हाल चाल। बट जो फैट बहुत ही ज्यादा वियर्ड जोन यहाँ पे बनता हुआ, जीरो डिग्री हील करे ना करे आराम से जीत जाएगी, क्योंकि पानी में बाकी सारी टीम्स जो है वो हील नहीं कर सकती। सेवन सीज के फाइनल बॉस की बात करें तो अभी भी जोन के अंदर है, चलो इन्हीं को देखते हैं, जोन के अंदर है, बाकी सारे मॉली फेंकने की कोशिश कर रहे। पांच और एक छह मेंबर्स मुझे पानी के अंदर दिखाई दे रहे, सब अलग अलग टीम के हैं। टीजी ब्रॉलर्स के दो मेंबर हैं, देखना पड़ेगा पोजीशन पॉइंट किस तरीके से एक दूसरे ले सकते हैं। जिनकी हेल्थ ज्यादा है वो पोजीशन पॉइंट में आगे के जोन यहाँ पे बनता हुआ नीचे के साइड पे प्ले भी जाते हुए और एक हिट भी पड़ा ऑटो एएमएसएस के द्वारा स्मोकी डाउन होते हुए। इट इज द ब्रॉलर फ्रॉस्ट डाउन और फाइनल बॉस अकेले बचे हुए अपनी टीम से। आई गेस मार्क्सकस ऊपर के साइड में, बात करें फाइनल बॉस जिंदा सेकंड पोजीशन पे, सेवन सीज की स्क्वाड आते हुए और चिकन डिनर फॉर जीरो डिग्री विद आई गेस सेवन किल। Tell me that you love me.